वाला भी है, ऊपर अभी खाली पड़ा है, सबसे ऊपर अभी खाली पड़ा है। ये देखो कैसे टूटा है, ये देखो इस तरह से कवर कर दिया हमने, सेम ही लगा दिया सब वो, क्योंकि बहुत कम था, एक ही रोल था, बीच में कम पड़ जाता और उसको हमने रख लिया कहीं और लगाने के लिए, तो सब जगह ये सेम ही मार्बल प्रिंट वाला ही लगा दिया है। देखो तो कैसा लग रहा है, अब बस मैं इसमें सामान रख दूंगी दोबारा। ये सबसे ऊपर वाला रह गया है, ये नहीं किया, ये देखो शुरुआत हो गई है। पास से भी दिखा देती हूँ, अच्छा लग रहा है। अब चलो मैं दिखाती हूँ कि इसको कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ मैं, अभी खुद ही सोच रही हूँ कि क्या करना है इसके, इसको डिवाइड करूँगी, मैं सोच रही सेक्शन बनाऊँगी, जैसे एक तरफ दालें वगैरह, ग्रॉसरी हो गई, स्पाइसेस हो गए, स्नैक्स हो गए, अलग अलग करके। ये साफ करके रखे हैं कंटेनर यहाँ पे, तो बस मैं फटाफट ऑर्गेनाइज करके फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये हमने फिनिश किया है, और एक ये लकड़ी का टुकड़ा था जिसको मैंने थोड़ा सा वो मैचिंग पेपर लगा के एक स्टेप बना दिया, ताकि डब्बे जो हैं ऊपर नीचे रहेंगे, थोड़े पीछे वाले डिब्बे ऊंचे हो जाएंगे ना, स्टेप टाइप का बन गया। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आशा है खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। तो चाय मैंने बनने के लिए रख दी है, और फटाफट पेंट्री ऑर्गेनाइज करती हूँ और आपको दिखाती हूँ, शुरू करते हैं बस। ये मेरा एक छोटा सा ब्लेंडर है जो यूएसबी पर चलता है, इसको ट्रैवल में कहीं भी साथ में लेके जा सकते हैं, बहुत छोटा सा हैंडी सा है, इससे आप फ्रेश जूस बनाकर पी सकते हो। और ये हैं सारे सॉल्ट, और नीचे कैंड फूड लगा दिया है। टाइम तो हुआ है 6:35 और अंधेरा हो गया है बाहर, अभी थोड़ा काम रहता है, कर रही हूँ बस। ओहो, स्नो शुरू हो गई क्या? नहीं, एक बास्केट है, जैसे वो गिफ्ट बास्केट नहीं होते क्रिसमस में, इस तरह की दो बास्केट हम लोग को मिली थी, किसी क्लाइंट ने दी थी, इसमें चॉकलेट वगैरह डाल के काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था, तो ये मैं यूज़ करने वाली हूँ, एक करूँगी स्पाइसेस के लिए और एक स्नैक्स के लिए। तो ये देखो काफ़ी हो गया रेंज, ऑलमोस्ट सारा हो गया, मैं भी पास से आपको दिखाती हूँ, अभी देख लो है ना, अभी भी बहुत जगह है इसके अंदर। और नीचे अभी जैसे वो बड़ी चीज़ें होती ना, आटा वगैरह वो रखना है। ये देखो इसमें ज़्यादातर दालों वगैरह, दालें वगैरह रखी हैं, और ये सेट यहाँ पे यूज़ किया है, और एक मेरे पास है ग्लास का सेट जिसमें मसाले रखे हैं, मसाले हैं, वड़ियाँ हैं, बूंदी, ये वो कई चीज़ें होती हैं कांच में ही रखनी होती हैं, तो वो मैंने अभी चेंज नहीं करी। तो जो एक जैसे हैं, जैसे गरम मसाला है और धनिया पाउडर है, तो मैंने नाम भी लिख दिया उसके ऊपर ऐसे, ताकि पता लग जाए, नहीं तो ये पोर्शन है हमारे मिस्टर जी का, ये देखो इस तरह की चीज़ें, इनको स्नैकिंग करने में बड़ा ही मज़ा आता है, ये सब चीज़ें अपनी लाती रहते हैं। यहाँ पे मेरे स्पाइस शेकर्स पड़े हुए हैं, और बाकी थोड़ा बहुत जैसे ये चिली फ्लेक्स हैं, जिसके मैंने ये डिब्बे बदलने नहीं है, यही डिब्बे मेरे ठीक हैं, क्योंकि शेकर हैं ये, चाट मसाला है, ओरिगेनो है और ब्लैक पेपर है, तो ये सारे शेकर्स हैं, रखा है दोनों में। और यहाँ हमने रखे हैं शुगर फ्री और टी बैग्स। ये तो हो गए जो यूज़ एंड थ्रो वाली, थोड़ी कटलरी थी वो है, अभी थोड़ी और है रखूँगी, बाकी छोटा मोटा घर में सामान होता ही है। बाकी ये मेरी चाय है जो मैं रेगुलर, तो हम यही पीते हैं, ये उस टाइम की है जब मुझे अकेले भी नहीं होती है, तो मुझे ही अच्छी लगती है। ये अचार मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है, ये है अचार, इसके अंदर बास्केट मैंने यूज़ करी है अचार के लिए। ये वाला शेल्फ में थोड़ी जगह ज़्यादा है ना, ऊंचा है, तो लंबी वाली बॉटल्स जैसे तेल वगैरह, रूह अफ़ज़ा है, और ये हो गया
ऑलिव ऑयल। ये देखो मेरा कलेक्शन, इंडियन स्टोर से लेके आती हूँ मैं ये। अभी तीन चार ऑरेंज मेरे बैग में पड़ी है, जॉब पे भी जाती साथ में। या ये बच्चों की मैगी मुगी पड़ी है, नूडल्स, कैंड फूड है, नीचे एक्स्ट्रा सामान है, कोई गिफ्ट बैग वगैरह। और ये जो डिब्बे हैं नीचे, ये सारे खाली डिब्बे हैं, धो के एक्स्ट्रा रखे हैं, कई बार काम आ जाते हैं। इधर ये फेशियल टिश्यू के बॉक्सेस हैं, और ये चावल जो एक्स्ट्रा, अभी देखती हूँ इसका क्या करना है, बैग लेके आए थे। राशन अभी काफ़ी सारा लाने वाला भी है, ऊपर अभी खाली पड़ा है, सबसे ऊपर अभी खाली पड़ा है। नीचे हमारे बेसमेंट में सामान पड़ा हुआ है ना, जब हम यहाँ से मूव हो गए थे वहाँ रख के गए। शक्कर, अरे ये है चीनी, वो है गुड़ की शक्कर। उसके बाद ये है, ये डिब्बा भी मैंने रीयूज़ ही किया है, तो उसके ऊपर मैंने ये ऐसे पेपर का जो बचा हुआ टुकड़ा था ना, ये इस पर लगा के मैचिंग कर दी। इसमें है मक्की का आटा, इसके ऊपर लिखा भी है मैंने ब्लैक कलर में। और ये है चावल, उसके बाद ये है मैदा, और ये है बेसन, और ज़्यादातर मैंने ऊपर लिख दिया है। जार का भी सेट है ना, एक टूट गया उसमें से, ये देखो कैसे टूटा है। यहाँ मैंने स्नैक्स की बास्केट बना के रख दी है, अब स्पाइसेस वाली बना के रख देती हूँ साथ में। और ये मैंने बना दी है, जो बॉक्स और सैशे में स्पाइसेस आते हैं ना, सारे डिब्बे में हम नहीं डालते, वैसे होते हैं हर घर में एक्स्ट्रा सैशे वगैरह, तो मैंने वो ट्रे में डाल दिए हैं। तो दोनों ट्रे ऐसे मैंने यूज़ कर ली हैं, जो बास्केट हैं वो, और इसको भी रख देती हूँ मैं अंदर। टाइम कितना हो गया, 7:15, और अभी कुछ भी नहीं बनाया मैंने, खाली पड़ी है किचन। देखो तो ये देखो पूरा हो गया है। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताएं, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।